आज 6 दिन हो गया न पुलिस और अभी सीबीआई तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया। देश को हिला देने वाले कोलकाता के निर्भया कांड पार्ट 2 को 9 दिन बीत चुके हैं। निर्भया कांड जैसा ही लोगों में गुस्सा, गम, तकलीफ है, लेकिन जांच के लिहाज से मामला अभी किसी मुकम्मल नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है। ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि कोलकाता पुलिस जांच का काम 90% पूरा कर चुकी थी, लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई टीमों की जबरदस्त हलचल बता रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस केस को खोलने में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन 2 सवाल अहम है। पहला, 8 दिन बाद भी मामले का पूरी तरह खुलासा क्यों नहीं हुआ, और दूसरा, संजय राय के अलावा कोई और शामिल था या नहीं, इस पर अब तक स्थिति साफ क्यों नहीं है। इस बीच सीबीआई तेज रफ्तार के साथ पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। नई सिरे से सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। जांच के लिहाज से देखें तो 10 लोगों की लिस्ट बनी है जिनको तलब किया गया है। इसमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर से लेकर गार्ड तक है, उनकी तैनाती और ड्यूटी रोस्टर मंगाया गया है। 4 डॉक्टरों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है जो उस रात पीड़िता के साथ नाइट ड्यूटी पर थे। सीबीआई की टीमें डिजिटल सबूत जुटा रही हैं। ये वो 3D स्कैनर है जिसको लेकर सीबीआई की खास टीम मौके पर पहुंची थी। मकसद यह है कि पता किया जाए कि वारदात की जगह पर संजय रॉय ही मौजूद था या फिर कोई और भी था। डिजिटल सबूत तो काफी मददगार हो सकते हैं। कल ही उन 4 डॉक्टरों से सीबीआई ने पूछताछ की जो अभागी रात को आरजी कर अस्पताल में पीड़िता लेडी डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर थे। इन डॉक्टरों से काफी अहम जानकारी मिली है और इसी के आधार पर नए लोगों को तलब किया गया है। सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष से भी कई घंटों तक सीजीओ कॉम्प्लेक्शन के अफसरों और जूनियर स्टाफ के साथ पूछताछ की है। सीबीआई ने आधिकारिक रूप से अब तक के मामले से जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन वह लगातार सबूत जुटा रहे हैं। कई बार टीम अस्पताल जाकर सेमिनार हॉल भी गई, वहां से भी सबूत जुटाए गए। उधर मामले की जांच में सीबीआई के जाने के बाद अब कोलकाता पुलिस कह रही है कि इस केस में कई अफवाहें फैल रही हैं जिनको रोका जाना चाहिए। कोलकाता पुलिस की अपनी दलील है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस केस का जल्द खुलासा होगा। सबसे पहले तो मैं ये अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी कि जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको जल्द से जल्द उनको जल्द से जल्द उनको सजा मिले। लेकिन आज 6 दिन हो गया न पुलिस और अभी सीबीआई तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया कि नहीं उस बच्ची के साथ एक था या और कोई शामिल है, या उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सोचना बहुत दूर की बात है। जो भी हालात वहां पैदा हुए हैं कि डॉक्टर आवाज उठा रहे हैं कि नहीं हमको सपोर्ट चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची के साथ घटना हुई है, ये बहुत सोचने का विषय है, बहुत अफसोसजनक है कि हॉस्पिटल के अंदर जहां बच्ची ड्यूटी कर रही है, मरीजों के साथ काम कर रही है, मरीजों की सेवा कर रही है, उनका इलाज कर रही है, और वहीं पे उसके साथ इतना घिनौना अपराध हो रहा है। तो अगर कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, अगर डॉक्टर अगर हॉस्पिटल के अंदर खुद जहां वो ड्यूटी पे है और वहां वो सुरक्षित नहीं है, तो आप आम महिला और बच्ची के लिए कहां क्या सोच सकते हैं।